Assalamualaikum viewers, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज मेरी जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है अपने इस वीडियो में अपने व्यूअर्स के लिए, वो है टेलीफोन की इजाद के हवाले से। आज मैं आपको टेलीफोन की जो है वो हिस्ट्री दूंगी कि टेलीफोन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो असल में टेलीफोन सबसे पहले बना कैसे, किसने इजाद किया, तो किस तरीके से काम हुआ। मगर उससे पहले चाहूंगी व्यूअर्स कि आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जितनी मेरी न्यू वीडियोस हैं मेरे व्यूअर्स को मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इस नेक वीडियो पर फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीफोन की इजाद, कि टेलीफोन किस तरीके से इजाद हुआ। कहा जाता है कि स्कॉटलैंड में हमारे पास एलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामी एक शख्स था जो कि समाज से महरूम जो बच्चे थे उनको तालीम दिया करता था। काफी अरसे जो है वो ग्राहम बेल ने समाज से महरूम बच्चों को जो है वो तालीम दी, और साथ साथ जो है वो ये भी जान चुका था ग्राहम बेल कि अगर इंसान सुनना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि इंसान उस वक्त अपने जो है वो कानों से सुन सकता है जब आवाज जो है वो कान के पर्दे को टकराए, इंसान जो है वो अपने कान से सुन सकता है। बस इसी ख्यालात को अपने दिमाग में रखते हुए उसने जो है वो दो जालियां बनाई जो कि कान के पर्दे की तरह थी। उसने दो जालियां बनाई और उस पर तजुर्बे करने शुरू कर दिए। हमारे पास जो ग्राहम बेल था उसने स्कॉटलैंड में ये काम शुरू किया, तो ग्राहम बेल का दोस्त था एक थॉमस वॉल्टन जो कि उसके साथ जो है वो उसके तजुर्बात में काम कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। एक दिन दोनों दोस्त जो है आपस में मसरूफ थे अपने काम में, तो ग्राहम बेल एक रूम में था और उसका जो दोस्त था वॉल्टन वो दूसरे रूम में था। ग्राहम बेल ने अपने रूम की जाली से जो है कुछ अल्फाज कहे जो दूसरे रूम में उसके दोस्त ने जो है जाली से वो अल्फाज सुने, तो यूँ समझ लीजिए कि पहला टेलीफोन जो है वो इस तरीके से बना। लेकिन जब ग्राहम बेल ने देखा कि उसका ये तजुर्बा जो है वो कामयाब हुआ, एक रूम से दूसरे रूम में इन जालियों से आवाज सुनी गई, तो उसने इसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया, मजीद तजुर्बात शुरू कर दिए ताकि आसानी से जो है वो इस पे काम किया जा सके और इसको कारामत बनाया जा सके। तो उसकी जो कोशिशें थी ग्राहम बेल की वो जाया नहीं हुई। 1876 में हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो है वो टेलीफोन इजाद हो गया। और जब उसने देखा कि टेलीफोन इजाद हो गया और लोग एक जगह या दूसरी जगह बैठकर बात कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ग्राहम बेल ने उसके ऊपर उसकी जितनी भी खामियां थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी उस टेलीफोन की उस वक्त, तो उसने उन तमाम खामियों को दूर किया, तमाम प्रॉब्लम्स को सही किया और आखिरकार वो 1876 में जो है ग्राहम बेल कामयाब हो गया टेलीफोन की इजाद करने में। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आज की अगर हम बात करते हैं तो टेलीफोन तो उसी दौर का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मजीद जो है वो काम किया गया है और मजीद काम करने के बाद उसको और बेहतर से बेहतर बनाया गया है, जो आज हमारे पास जो है वो टेलीफोन मोबाइल की सूरत में मौजूद है और हमारे हाथों में है। जब स्टार्टिंग में बना था तो काफ़ी बड़ा था टेलीफोन, लेकिन अब जो है आप लोग जानते हैं कि अब ये मोबाइल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अच्छे से अच्छी जो है वो इसके अंदर आपको ऑप्शंस और वैरायटीज मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये एक सिंपल सा टेलीफोन था जो कि ग्राहम बेल ने अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से जो है वो बनाया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी टेलीफोन की इजाद के हवाले से। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को हिस्ट्री ज्योग्राफी को आगे लेकर जाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिल सकें।